कि अल्लाह ने कुरान में मिसाल बयान की कि एक आदमी जो प्यासा है और वो पानी के पास जाए और दोनों हाथ फैलाकर पानी से कहे कि तू मेरे मुंह में आ जाओ, पानी आएगा नहीं, वो सिर्फ नदी के किनारे जाकर खड़ा हो जाए, तो पानी को लेना होगा, कुछ करना होगा यानी, तब वो पानी उसके पास में आएगा, उसकी प्यास बुझेगी, या तो उसको बर्तन में ले या हाथ में ले तब प्यास बुझेगी। तो अल्लाह का कानून है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं आप, जो बताया कि तुमको ये कोशिश करनी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे ये मांगना पड़ेगा, तुम्हें मेरी किताब पर यकीन करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी आखिरी अथॉरिटी, आखिरी फैसला तुमको कुरान से को सौंपना होगा और इससे तुमको जवाब तलब करना होगा, वो कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ हाथ उठा रहे अल्लाह से कि अल्लाह तू सुन ले, तू सुन ले। तो वही मिसाल अल्लाह ने दी कि वो तो फिर ऐसी मिसाल है कि वो पानी के पास जाके खड़ा हो गया और कह के पानी तू मेरे मुंह में आ जा, कभी नहीं आएगा। तो अल्लाह ने जो कानून बताया है उसके मुताबिक अमल करेंगे और उसके बाद कोशिश करने के बाद में दुआ करेंगे तो वो फजल भी साथ में होगा, तब उसकी दुआ कबूल होगी। तो कोशिश के साथ में उसको पुकारना है, और खाली पुकारना वो बेकार है।